राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मुख्य और वृहत कैटेगरी कितने हैं। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है और कुछ ने बिल्कुल साइलेंट ही रखा है। तो मैं बता देती हूँ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के मुख्य और वृहत कैटेगरी हैं 5। इसका डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो में किया है और अलग से पूछना चाहोगी तो बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में, वो स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तीसरा है साइकोबायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और चौथा है फिजिकल स्ट्रक्चर। स्कीमा पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ाया है मैंने आपको। तो स्कीमा है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मनोवैज्ञानिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है, किसने क्लासिकल कंडीशनिंग का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया है? किसने, या ऐसे समझो कि निम्न में से किसने क्लासिकल कंडीशनिंग का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऑप्शन आपके पास इवान पावलो, मिखेल पावलो, पीटर पावलो, रॉबर्टे पावलो। आप कहोगे क्वेश्चन तो मैडम बहुत टिपिकल आपने दे दिया है, खाली पावलो रहता तो मुझे याद रहता। आपने पूछा इवान पावलो, मिखेल पावलो, पीटर पावलो और रॉबर्टे पावलो। बच्चे इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है कंफ्यूज कराने के लिए। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, क्वेश्चन की घुमाव भी उतना ही ज़्यादा, ट्विस्टेड क्वेश्चन उतना ज़्यादा घूम जाता है। तो क्या है सही उत्तर? करेक्ट आंसर इज इवान पावलो, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, न्यूरोसिस का सर्वाधिक विकसित सिद्धांत होने वाला साइकोएनालिटिक्स थ्योरिस्ट कौन है? न्यूरोसिस का सर्वाधिक विकसित सिद्धांत देने वाला साइको एनालिस्ट थ्योरिस्ट कौन है? ऑप्शन आपके पास कार्ल जुंग, दूसरा है हेनरी मूरे, तीसरा है अब्राहम मास्लो, चौथा है केरेन हनी और पांचवा है केरेन हॉर्नी। स्पेलिंग में डिफरेंस है, एक है हनी, दूसरा है हॉर्नी। करेक्ट आंसर क्या है? तो ध्यान देना आप लोग स्पेलिंग में भी, हनी और हॉर्नी। तो करेक्ट आंसर है अपना करेन हॉर्नी, जिन्होंने न्यूरोसिस का सर्वाधिक विकसित सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अर्लियर साइकोसेक्सुअल स्टेज का परसिस्टेंट फोकस को हम क्या कहते हैं? अर्लियर साइकोसेक्सुअल स्टेज के परसिस्टेंट फोकस को हम क्या कहते हैं? लिबिडो, फिक्सेशन, सब्लिमेशन या रिग्रेशन? करेक्ट आंसर है अपना लिबिडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसोरी मोटर अवस्था को पुनः कितनी उप अवस्था में बांटा गया है? सेंसोरी मोटर अवस्था को पुनः कितनी उप अवस्था में बांटा गया है बोलो? 6 अवस्था में, 2 अवस्था में, 4 अवस्था में या 5 अवस्था में? सेंसोरी मोटर अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। करेक्ट आंसर अपना 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा विकसित किया गया है? टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा विकसित किया गया है? चार्ल्स स्पीयरमैन, कूपर स्मिथ, टीएल केली या सीएल थर्स्टोन? आज तो कहोगे मैडम आपने फाड़ दिया, बड़ी कठिन कठिन क्वेश्चन दे रहे हो मुझे।
बेटा टीजीटी का परीक्षा दोगे, पीजीटी का परीक्षा दोगे तो इजी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। बोलो क्या है सही उत्तर? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से और छोड़ा था कि आप इसका सही जवाब दोगे कि निम्न में से कौन रियलिटी प्रिंसिपल्स को कोऑपरेट करता है, तो रियलिटी प्रिंसिपल्स को ऑपरेट करने वाला है ईगो। कौन करता है? ईगो ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक पूछा था वो ये कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण किस अवस्था में हो जाता है गर्भकाल में? सही उत्तर था पीरियड ऑफ फिटस में, कंसेप्शन, जब ओभम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तो कंसीव होता है, मतलब गर्भधारण हुआ। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ ओभम, जो मात्र कंसेप्शन से लेकर के 2 वीक 14 दिन तक का होता है, 2 सप्ताह। और फिर आता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जो 15 दिन से लेकर के 2 महीने तक का होता है। इसके बाद पीरियड ऑफ फीटस शुरू हो जाता है और पीरियड ऑफ फीटस में ही लिंग का निर्धारण, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की, कन्या है या कन्या नहीं है, इसी अवस्था में उसकी जांच हो जाती है। मतलब तो 3 महीना मान लो, तो 3 महीने की गर्भकाल में बच्चा रहता है तो उसका लिंग का निर्धारण हो जाता है। और यही समय होता है जब डॉक्टर को पता चलता है और डॉक्टर शिशु की हत्या कर देता है, माँ के गर्भ में ही बच्चे को मार देता है, पीरियड ऑफ फीटस। बहुत कम लोगों ने इसका जवाब दिया है, देखे तो सभी वीडियो को हैं पर जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो बच्चे जो मैं पढ़ाती हूँ, जितना मेहनत मैं करती हूँ उतना ही मेहनत अगर आप करो तो आपका भी कल्याण होगा और मेरा तो कल्याण है ही, क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ करके निकलते हैं और अच्छा करते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। एक क्वेश्चन और है आपके बीच में, वो ये सभी बच्चे इसका सही जवाब देंगे और आज मैं इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे मांगूंगी, प्रश्न को मैं पूछूंगी, उत्तर मैं आपसे मांगूंगी, उत्तर मैं आज नहीं दूंगी। प्रश्न क्या है? नजदीक दूरस्थ क्रम, प्रोक्सिमो डिस्टल ऑर्डर, नज़दीक दूरस्थ क्रम विकास को दर्शाता है जिसमें विकास होता है कहाँ से कहाँ तक, केंद्र से विशेष की तरफ। ये मैंने पढ़ाया डेवलपमेंट में, जब मैंने बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया था, ग्रोथ और डेवलपमेंट की विशेषताएं बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, तब तो मैंने इस पर विशेष फोकस किया था कि नज़दीक दूरस्थ क्रम क्या है और किस तरह के विकास को ये दर्शाता है। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा या जिन्होंने किताबों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो तो इसका सही सही उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन क्या है? केंद्र से विशेष की तरफ, दूसरा है सामान्य से परिधि की तरफ, तीसरा है सिर से पैर की तरफ और चौथा है विशिष्ट से सामान्य की तरफ। क्वेश्चन क्या है? नजदीक दूरस्थ क्रम विकास के किस स्थिति को दर्शाता है, मतलब विकास किस दिशा में होता है, केंद्र से विशेष की तरफ होता है, सामान्य से परिधि की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है या विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है। ये एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ मैं आपको, जो मैंने कल ही पढ़ाया है और देखती हूँ कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाते हैं। एस आर थ्योरीज, उत्तेजना क्रिया थ्योरीज का केंद्रीय सिद्धांत कौन सा है? कल ही मैंने इसका पढ़ाया है। उत्तेजना क्रिया थ्योरीज का सेंट्रल प्रिंसिपल कौन सा है? कंडीशनिंग एक्सपीरियंस,
लॉ ऑफ इफेक्ट या परसेप्शन? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर कि मैं प्रतीक्षा करूंगी और देखूंगी कितने बच्चे सही सही जवाब इसका दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो लाइक करना मत भूलो, लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर लिखना। कमेंट करते हो मैं देखती ज़रूर हूँ, हो सकता है कई बार टाइम मुझे नहीं मिलता है तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर देखती ज़रूर हूँ। अब हमारी भी एज हो गई है, आप लोग तो चलो तैयारी कर रहे हो, कम उम्र के हो, और हम तो देखो 55 क्या 60 क्रॉस करने जा रहे हैं, तो हमारे पास एनर्जी भी तुम्हारी तुलना में कम है और समय भी। तो समय जितना होता है उतने समय में भी आपके लिए मैं पढ़ती हूँ और फिर आपको पढ़ाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करें और उनका भविष्य अच्छा हो। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वीडियो को ध्यान से सुने और इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। ओके, बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।